तो क्या टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का विकल्प खोजा जा रहा है? बांग्लादेश के खिलाफ में 3 T20 सीरीज मैच का जो कि पहला मैच ग्वालियर में खेला जाना है, तो इसमें टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है और हार्दिक पांड्या ने इस मैच के लिए बाकायदा नेट में प्रैक्टिस भी की और बॉलिंग भी डाली और बैटिंग की भी प्रैक्टिस की। लेकिन क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे खबरें तो कुछ ऐसी ही निकल के आ रही है। तो दरअसल दोस्तों, जो कि नेट प्रैक्टिस जब हार्दिक पांड्या कर रहे थे, तो उसी दौरान जो कि टीम इंडिया के बॉलिंग कोच है मॉनी मॉर्कल, उन्होंने कुछ कमियां नोटिस की हार्दिक पांड्या में और बकायदा उनको वो कमियां उनको बताया भी, जहां हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के बॉलिंग कोच जो कि उन्हें बता रहे थे कि वो मतलब विकेट के बहुत पास से बॉलिंग कर रहे थे और दूसरा उनका रिलीजिंग पॉइंट जो कि था वो भी ठीक नहीं था, तो रिलीजिंग पॉइंट को भी ठीक किया। लेकिन यहीं सारा मामला आके फंस गया क्योंकि यहीं से खबर बड़ी बन गई कि क्या हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ टीम इंडिया में सही चल रहा है। वैसे हार्दिक पांड्या ने बार बार ये तो दिखाया ही है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं और अपनी बॉलिंग में सुधार करते हैं और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं, लेकिन जो कि पिछले कुछ समय से उनका जिस तरह का अभी पूरा कंडीशन रहा है, इसकी वजह से ही ये चिंता हो रही है कि आखिर क्या टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ में उनका पूरा सीरीज रहा, बहुत ज़्यादा खास रहा नहीं, और उसके बाद से अभी बांग्लादेश के सीरीज में उनको वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक दबाव है कि अपने प्रदर्शन को अच्छा करने का। वैसे हार्दिक पांड्या ने बार बार ये तो दिखाया ही है कि वो कभी हार नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद भी अभी क्योंकि टीम इंडिया में उनके लिए सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ में उनका प्रदर्शन रहा है, उसके बाद अब बांग्लादेश की सीरीज में उन पे जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा अपने खास करके परफॉर्मेंस को लेकर। अब इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया में अभी जो पूरी तरह से नई स्क्वाड आई है, तो इसमें नीतीश राम है। अब नीतीश भी ठीक हार्दिक पांड्या के जैसे ही मीडियम फेसर और अच्छी खासी बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर है, तो ऐसे में टीम में अपनी जगह को एकदम पक्की करने के लिए हार्दिक पांड्या के सामने ये चुनौती तो होगी। और खास करके अब टीम इंडिया में जो कि इंडियन टीम के जो BCCI है और सिलेक्टर्स हैं, ये भी देखेंगे कि क्या ऑलराउंडर के तौर पे किसी और को भी चेक किया जा सकता है। तो शायद यही एक कारण है जिस कारण से टीम के स्क्वाड में एक ऑलराउंडर के तौर पे नीतीश को भी, जो कि हार्दिक पांड्या के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो इनको भी इस सीरीज के दौरान में जो कि बांग्लादेश के साथ में खेली जानी है, इसमें ट्राई जरूर किया जाएगा। वैसे एक बात तो है कि भले ही हार्दिक पांड्या का पिछले कुछ मैचों में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन T20 में उनका प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हार्दिक पांड्या अपनी जगह को मेंटेन कर पाते हैं या फिर कोई और टीम इंडिया को नया ऑलराउंडर मिलेगा, ये तो आने वाले मैच में हम सभी देखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हार्दिक पांड्या जो कि अपनी पोजीशन को टीम इंडिया में बरकरार रख पाएंगे, या फिर टीम इंडिया को कोई एक नया ऑलराउंडर जो कि नीतीश के तौर पे है, जो अभी स्क्वाड में शामिल भी है, तो वो टीम इंडिया को नया ऑलराउंडर मिलेगा? वैसे आपका क्या विचार है जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।